वीडियो में मैंने आपको कुछ जगहें दिखा दी थी, दातारंग मर्देगा दिखा दिया था आपको, और ये जो है उधर की तरफ से जब मैं इधर वहाँ खड़ा होऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड जब जाऊंगा तो ये आप देखेंगे, ये सामने जो रोड जा रही है ये जा रही है सोगो, एक शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे, और ये सब ब्रिटिश की बनाई हुई बिल्डिंग है पुरानी, और ये वाइट कलर की जो लाइटें लगी हुई हैं आप देख रहे होंगे, ये ब्रिटिश की बनाई हुई बिल्डिंग है। और इसके अपोजिट में जो है वो एक बहुत अच्छा है, इन्होंने मलेशिया ने गवर्नमेंट ने बनवाया है इसको, और ये सब मैं जगह आपको दिखाऊंगा, अभी इधर भी ले जाऊंगा आपको। तो मैंने आपसे कहा था तीन चीज़ें मैं इसमें दिखाऊंगा, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये साइड में जो है वो दातारंग मर्देगा है, और इधर ये ब्रिज है, और इसके बैक साइड में मस्जिद इंडिया है, जो ये ब्लू लाइट है मस्जिद इंडिया का एरिया है, मस्जिद जामिया जो है वो, क्योंकि यहाँ की मस्जिद इंडिया जो है बहुत फेमस जगह है, और यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन है, तमिल दुकानें, तमिल लोग जो है मलेशियन इंडियन है उनकी शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे। और तो इस जगह को मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो जगह है इसके पास में दातारंग मर्देगा के थोड़े से साइड में जो मैंने आपको बताया था जो वाटर फाउंटेन लगा हुआ था, और उस पर दातारंग मर्देगा जो बता रहा था मैं अंडरग्राउंड पार्किंग है, उसके अपोजिट में ये है। तो ये पूरा एक पार्क है, और इस पार्क में एक चर्च है, और एक बहुत पुराना रोड रोलर रखा हुआ है, और तीसरी चीज़ ये है, और बीच में जो है वो ग्राउंड है जो लोग बैठते वगैरह हैं यहाँ पे जाके। और इसके साइड से जो ये ब्लू कलर की रिवर है, ये रिवर जो है उधर ही की तरफ क्रॉस हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, तो ये रिवर जो है इधर ही आई है इस साइड में, और इधर जो है सोगो है, और ये बनाया है बहुत खूबसूरत, ये आप देखेंगे पूरा लाइट और ये वाटर यहाँ से गिरता है, और ये लोग यहाँ पर अपना सेल्फी वगैरह लेते हैं, वीडियो बनाते हैं टिकटॉक वगैरह के लिए, या अपनी फेसबुक वगैरह के लिए, या अपने पर्सनल जो भी है। तो बड़ा अच्छा है ये, यहाँ से ये एंट्री है, ये इसका गेट है यहाँ पे। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं ये बोर्ड का जो था ले नहीं पाया, कौन सी जगह है मुझे इसका नाम याद नहीं है कि इस जगह को क्या कहते हैं, लेकिन ये जो है मर्देगा है पूरा, और ये जो आप देख रहे होंगे इसके अपोजिट में ये जगह है जो ये वाटर वाला आपको देख रहा होगा। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा, और ये सब पानी गिरता है, ये चारों साइड में इसी तरह से पानी गिरता है, और लाइटें एलईडी लाइट लगी हुई है, ये बड़ी खूबसूरत है, इसके कलर चेंज होते हैं, तो ये जगह जो है वो रात में देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये पूरा एरिया तो ये रात में बहुत अच्छा लगता है, नाइट बड़े खूबसूरत लाइटें वगैरह सब दिखती हैं ये, तो ये सब चारों साइड से इसी तरह से पानी, वो केएल टावर दिख रहा है, और इसके बराबर में जो है वो केएलसीसी है, और इस बिल्डिंग के थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो मस्जिद इंडिया है उधर, तो वहाँ सारी इंडियन शॉप वगैरह है, सब आसपास वॉकिंग डिस्टेंस है सारा। और इस साइड में जो है स्ट्रेट तो वो दातारंग मर्देगा है, वो ब्रिटिश ने जो बिल्डिंग बनाई थी, तो ये सब है, ये चारों साइड से ऐसे ही है। और यहाँ पे बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी है, इसमें जो फॉरनर टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो यहाँ पर कैमरा लगा है उसमें खड़े होते हैं, और ये इस तरह से उनका फ़ोटो खींचता है, और फिर यहाँ पे ये वो उसको शो करते हैं। और ये टेम्परेचर है यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस, और ये सब इसमें दिखाते हैं स्क्रीन में कितना टेम्परेचर वगैरह है ये, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है रात में। तो ये सीधी जो है सोगो मॉल जो है उधर जा रही है, वो आप गेट जो देख रहे हैं लाइट लगी हुई वाइट कलर की, तो ये सोगो जा रही है, इधर भी रास्ता जा रहा है, तो ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, फिर मैं आगे चल के आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा इसके अंदर। तो इसकी वीडियो ये पूरी ऊपर नीचे इन्होंने लाइटें लगाई हैं, ये नीचे भी है, और ये बड़ा खूबसूरत, ये पीछे पार्क है, इधर ही एक चर्च है, इस साइड में चर्च है, और दूसरी साइड में एक रोलर रखा है ब्रिटिश के टाइम का, वो इविन और एक पोर्टर, ये दो पार्टनर थे, उन्होंने वो रोड रोलर की कंपनी जो है वो बनाई थी उन्होंने, और ये 1850 कुछ में इन लोगों ने ये इसका करा था, रोड रोलर का स्टीम रोलर जो था वो बनाया था उन्होंने। तो इस साइड में है वो, मैं अभी आपको लेके चलूँगा, अभी मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये पार्क है, यहाँ ऊपर देख रहे होंगे उसके पीछे जो ब्लू लाइट है आप देख रहे हैं, ये जो है रिवर जा रही है, हाँ ये देखिए मैं आ गया हूँ, ये है वो एवलिन के नाम से, एवलिन एंड पोर्टर दो पार्टनर थे ब्रिटिश के, और इन्होंने 1958 में ये इस कंपनी को याद करा था जो ये रोलर बनाया करते थे, और ये बहुत सॉलिड है, और ये स्टीम से चलता है ये, और ये कोई डीजल या पेट्रोल का नहीं है, ये स्टीम इंजन है। तो ये सब
इसमें मैंने ये दिखाया है, इसमें ये व्हील वगैरह इसके बहुत सॉलिड हैं, क्योंकि ये रोड रोलर था उस ज़माने में जब मलेशिया में ये ब्रिटिश आके रही थी, और ब्रिटिश ने फिर यहाँ पे देखा कि रोड वोड ज़्यादा जो है वो डेवलप नहीं है, तो कच्ची रोडें वगैरह थी, तो फिर इन्होंने ये रोड रोलर मंगाया और इसको डेवलप करा। तो इनका यही था कि ये लोग जहाँ पे जाते थे कब्ज़ा करते थे, फिर उसको उस जगह में ये बस जाते थे और वहाँ पे ये फिर बिल्डिंगें बनाते थे, अपने डिज़ाइन की ब्रिटिश वाली डिज़ाइन की बिल्डिंगें बनाते थे, फिर वहाँ से चीज़ें लेकर आया करते थे, बसें और ये सब। फिर जब जो मुल्क के लोग होते थे फिर वो एक्टिव होते थे, जैसे इंडिया की हिस्ट्री है और भी कंट्रीज़ की हिस्ट्री है, तो ये लोग जब एक्टिव हुए फिर इन्होंने फ़ाइट करी ब्रिटिश से, फिर ब्रिटिश वापस गई तो सारी चीज़ें जो थी वो यहीं रह गई। तो ये रोड रोलर है, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉलिड है ये इसका जो है जो स्टेयरिंग होता है ये इससे कंट्रोल होता था, ये चेन से, तो इससे इस चेन से ये कंट्रोल करते थे, या पैरों के ज़रिए से इस तरह से ये, तो यहाँ पे ये सब लीवर वगैरह लगे हुए इस तरह से, यहाँ पे ये लीवर थे इसके। तो आप मर्देका जाएँ तो आप ये जो मैं दो तीन जगहें आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे जाएँ, ये देखिए लिखा हुआ है इवनिंग एंड पोर्टर जो है ये लिमिटेड इनका है ये मर्देका की तरफ कभी भी मलेशिया आएँ या इधर की तरफ जाएँ, मर्देका तो खाली मर्देका तक आप ना रहें, आप जो है इधर की तरफ भी थोड़ा सा मूव करें और देखें, ये बड़ी खूबसूरत जगह है, ये ब्रिज है सामने, और ये ब्रिज जो है आप देख रहे होंगे ये गोमबाग से और केएल में आता है, इसको कहते हैं जलान कुचिंग वाला, ये हाईवे है और ये कुआलालंपुर में आता है, ये सब जा रहे हैं इधर, ये रोड ये सब कुआलालंपुर और मस्जिद इंडिया इधर की तरफ जा रहे हैं ये, और केएलसीसी टावर जिधर है तो ये रोड उधर जा रहा है, और यहाँ पे ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ साइड से, तो ये एल्विन एंड पोर्टर जो पार्टनर थे ये उनका स्टीम इंजन है, ये बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये बैक साइड है इसकी, और यहाँ पे ये खड़े होके और इस पे या बैठ के जैसे भी इसको कंट्रोल करते थे, ये स्टेयरिंग था इससे, और यहाँ और ये जो है स्टीम रोलर है स्टीम इंजन, और इस साइड में आप जब जाएंगे तो ये पूरा आप देख रहे होंगे पार्क है छोटा सा, और उसके एक साइड में ही जो है ये है, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको दूर से व्यू दिखा रहा हूँ उसका, पार्क के ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, और ये पार्क है, उधर मर्देका है जो डार्क हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पार्क है। अब मैं जो हूँ वापस मर्देका की तरफ जाऊँगा और फिर आपको ये रिवर दिखाऊँगा, ये पूरा पार्क है छोटा सा, उधर स्टीम इंजन है वो जो है, और ये पूरा पार्क है यहाँ, और इसके अंदर अंडरग्राउंड जो है वो टॉयलेट बने हुए, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड टॉयलेट है ये। अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ मेन रोड की तरफ, तो ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आएँ आप लोग और देखें इस जगह को, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर वगैरह सब पता चल जाएगा कितना मलेशिया कुआलालंपुर का टेम्परेचर है, और ये लाइटें जो है चेंज होती रहती हैं। तो अब मैं उधर की तरफ जाऊँगा मर्देका की तरफ, और मर्देका वाली साइड से जब रेड लाइट हम क्रॉस करते हैं तो उधर एक ब्रिज बनाया है इन्होंने, उसके नीचे से ये रिवर जा रही है, वॉकिंग वाला ब्रिज है वो, और साइड से रिवर के किनारे किनारे रोड गया है, तो वहाँ से हम जो हैं मस्जिद इंडिया जा सकते हैं, और इस बिल्डिंग के पीछे से भी मस्जिद इंडिया जाने का रास्ता है, ये बाई कार है, बाई टैक्सी, बाई बस जो है ये इस रास्ते से जा सकते हैं, और ये गेट जो वाइट कलर का आपको दिख रहा था वहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर है सोगो के नाम से, वहाँ आप जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा ब्रांडेड आइटम मिलता है वहाँ पे, परफ्यूम वगैरह और क्लोथ वगैरह जितने भी हैं शूज़ वगैरह सब ब्रांडेड वगैरह है वहाँ। तो ये अब मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ, मर्देका है बैक साइड में आपको देख रहे होंगे वो मर्देका साइड है, तो उसके बाद मैं आपको उधर लेके जाऊँगा, जो ब्लू कलर की रिवर है इन्होंने पूरी लाइटें लगाई हैं बहुत खूबसूरत है, तो ये मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आप, तो
तो यहाँ लोग देखिए फोटो वोटू है, तो अब मैं मेन रोड पे आऊँगा तो ये पूरा मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग कभी देखें तो पता चल जाए कौन से एरिए में ये जगह है। और उधर मैं जाऊँगा वो सामने आप देख रहे होंगे ब्लू लाइट है, पूरा जो ब्लू दिख रहा है। तो अब मैं आ गया ये मेन जो मर्देका वाली बिल्डिंग थी, तो इस साइड में बिल्डिंग है और इसके बराबर में जो ब्लू लाइट दिख रही है आपको, इधर से ही रास्ता है और ये मर्देका ग्राउंड है ये रोड क्रॉस करके। और ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये डेकोरेशन का, इसके पीछे वही जगह थी जो पानी गिर रहा था और वो स्टीम इंजन रखा था। ये रिवर है, अब मैं यहाँ पे ये ब्रिज है इस रिवर के, तो इस साइड में मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे आपको देखेंगे ये नीचे ये रिवर बह रही है और ये देखिए पूरा इन्होंने इसमें लाइटें लगाई हैं, और इसके अंदर के कोई इंसेक्ट वगैरह या मॉस्किटो वगैरह ना हो, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक होती है। तो इसके अंदर एक ये सारे पूरे रिवर के ऊपर इन्होंने लाइट के साथ स्मोक लगाया है इन्होंने, और वो स्मोक जो है वो भी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। यहाँ पे लोग फोटो सेल्फी वगैरह लेते हैं यहाँ से, तो आप ये यहाँ पे स्मोक देख रहे होंगे, ये धुआं ये स्मोक देख रहे होंगे लाइटों के पास। तो ये इन्होंने इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे सारी बेंचें हैं ये साइड में, यहाँ ये आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में ये जो वे जा रहा है, तो यहाँ पे बेंचें पड़ी हुई हैं पेड़ों के पास में, नीचे यहाँ लोग बैठते हैं। और ये स्मोक है यहाँ पे, ये इसीलिए है कि मॉस्किटो वगैरह जो है, मच्छर वगैरह जो है, वो इंसेक्ट जो है वो ऊपर ना आए और किसी को काटे नहीं। तो यहाँ आप 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर भी बैठ जाएंगे तो आपको कोई भी मॉस्किटो जो है वो बाइट नहीं होगी, कोई भी आपको मॉस्किटो जो है वो काटेगा नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है ये, और ये अभी 1-2 साल के अंदर इन्होंने डेवलप करा है, उससे पहले ये सब नहीं था, ये लाइट वगैरह भी नहीं थी, ये अभी लॉकडाउन के बाद इन्होंने इसको डेवलप करा है। ये तो 2022 में मलेशिया बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, एलईडी लाइट वगैरह इन्होंने बिल्डिंगों में, ब्रिज, और एक केएलसीसी के पास मुश्किल से 10 मिनट का है वॉकिंग डिस्टेंस, की वीडियो भी मेरे चैनल के अंदर है आप देख सकते हैं। तो उसका नाम है सलोमा ब्रिज के नाम से, वो भी बहुत खूबसूरत है, और उसके अंदर उन्होंने पूरे ब्रिज के ऊपर जो लाइटें लगाई हैं तो वो डायमंड लाइटें लगाई हैं एलईडी, और 4100 लाइट्स उसमें लगाई हैं, और वो लाइटें पूरी चेंज होती हैं, मलेशिया का फ्लैग आता है इसमें, बहुत तरह से डिज़ाइन उसके चेंज होते हैं। वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं चैनल में, उसकी भी मैंने बनाई है। तो ये देखिए ये पूरा है, और उधर जो है मस्जिद इंडिया जा रहा ही है, वॉकिंग डिस्टेंस लोग बैठे हुए हैं जा रहे हैं देखिए उधर। तो दोबारा से मैं इधर आ गया हूँ, अब मैंने वहाँ का रिवर का ख़त्म कर दिया है, अब मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मैं मर्देका वाली साइड से आ गया हूँ, तो ये पूरी ब्रिटिश ने बनाई थी, और ये लाइटें भी पहले तो थी, ये तो बहुत पहले से हैं लाइटें। तो ये ब्रिज वाली जो लाइटें हैं आप, रिवर वाली जो है ब्लू कलर की, ये अभी नई लाइटें लगाई हैं 2002 में इन्होंने, लॉकडाउन के बाद से और डेवलप कराया इन्होंने। तो वो देखिएगा आप गूगल पे जाके, तो बड़ी खूबसूरत वो ब्रिज है, और वहाँ पे भी जाइएगा, वो जो है केएलसीसी के बहुत पास में, केएलसीसी के आप रोड क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे जा सकते हैं, किसी भी वहाँ पब्लिक में किसी भी लोकल से आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि हमें। देखिए ये रात है, ये रात के इस वक्त मेरे ख्याल से 10:30 या 11 o'clock था। तो मैं यहाँ पे गया था फैमिली के साथ अपने, तो मैंने कहा वीडियो बनाई यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं ये 11 o'clock इस तरह से यहाँ पे पूरा। और ये जो है मंडे नाइट थी, और ये मंडे नाइट है, और सैटरडे और संडे जो ये मेन रोड था आप देख रहे थे ये ब्लॉक कर देते हैं, तो यहाँ बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, और यहाँ वो पीछे आप देख रहे होंगे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, बाइसाइकिल, ये सब रेंटल मिलती है। तो अभी वो रोड ब्लॉक नहीं है, वो सैटरडे संडे होती है सिर्फ ब्लॉक, तो एवरी डे जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रहता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और देखें, और जितनी भी मैंने आपको एरिया दिखाए हैं आसपास के, आप यहाँ पे ज़रूर जाएँ। और यहाँ पे रॉयल क्लब है गल्फ का, तो वो लोग खैर वो होता है वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है ऊपर, तो वो शायद मेंबर के लिए, ये मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है। और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड जो है अंडरग्राउंड, इसमें कार पार्किंग और टॉयलेट वगैरह, यहाँ बच्चे खेलते हैं ये सब। तो और यहीं पे आप देखेंगे ये
जहाँ पे वो मलेशिया का बहुत लंबा एक ऊंचा सा फ्लैग लगा हुआ है, ये उसके बराबर में ये वाटर फाउंटेन है, बहुत खूबसूरत है। और इसके साइड में भी और भी वाटर फाउंटेन है, ये देखेंगे आप, यहाँ लाइटें की चीज़ होती है। ये जो है वाटर फाउंटेन, ये ब्रिटिश के टाइम का है और ये ब्रिटिश ने ही बनाया था, उसका लुक भी वैसी ब्रिटिश का है। तो ये जो है ब्रिटिश के टाइम का है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये जो है, और वो सामने जो बिल्डिंग है वो ब्रिटिश ने बनाई थी यहाँ पे, उसके बाद जो बैक साइड है वो भी थोड़ा सा ब्रिटिश का है इसमें, और उसके बाद सब मलेशिया के यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है, बैंक वगैरह है। और पीछे एक और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी ब्रिटिश का बनाया हुआ था। तो ये पूरा ब्रिटिश का है। और यहाँ पे चर्च वगैरह भी है, जहाँ मैं आपको ले गया था वो स्टीम इंजन, वहाँ पे एक चर्च है उसी पार्क के अंदर, छोटा सा पार्क है वो। तो वहाँ पे तीन चीज़ें, एक चर्च है और स्टीम रोलर रखा हुआ है, और दूसरा वो पानी जो गिरता है वो। तो वहाँ पे तीन जगह है और ये पूरा ग्राउंड है। तो ये मैं आपको फ्लैग दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसके पीछे फ्लैग के जो साइड में है वो भी ब्रिटिश ने बनाया था। ये गवर्नमेंट का ऑफिस है यहाँ पे, ये ऊंची सी बिल्डिंग जो दिख रही थी, ये वाटर फाउंटेन है। और बैक साइड में भी वाटर फाउंटेन है, वो आप देख रहे होंगे, लाइटें चल रही हैं बैक साइड में, तो वहाँ पे भी लगा हुआ है ये। तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ फोटोग्राफी वगैरह करें आप लोग आएँ। तो अगर डे में जाएँ तो यहाँ पे, आपको नाइट में भी ज़रूर जाइएगा, किसी भी दिन हमेशा ये ऐसे ही रहता है, फॉर एवर ऐसे ही रहता है। तो यहीं पर आप देखेंगे उस फाउंटेन के पास, यहाँ पर ये बबल बी का जो करेक्टर है ये यहाँ पे, और ये रेंटल देखिए, बाइक वगैरह रखी हुई है, ये यहाँ आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है, इसके साथ रॉबर्ट के साथ आप फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे तो ये बॉक्स रखा है यहाँ स्टूल के ऊपर, तो यहाँ पे ये डोनेशन इनको करना पड़ता है। तो कभी जाएँ तो उसमें आप थोड़ा बहुत भी इसमें डोनेशन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और पीछे आप देखिए वो टावर दिख रहा है, उसी के बराबर में KLCC है, ये पूरा ब्रिटिश का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये सब बच्चे साइकिल वगैरह, ये रोड में साइड में खाना वाना मिलता है, ड्रिंक वगैरह। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर नाउ।